जानकारी के लिए बता दें, अभी राजौरी जम्मू कश्मीर में जिहादी आतंकवादियों ने 6 निर्दोष हिंदुओं की हत्या कर दी। अब जम्मू क्षेत्र में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, उन्हें एक एक करके टारगेट बनाया जा रहा है। इस्लामिक आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। इसी को लेकर थाना मलपुरा की बड़ी नहर के चौराहे पर आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कस्बा मलपुरा के नहर के चौराहे पर जिहादी आतंकवादियों का पुतला फूंका। साथ ही साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और सरकार से अपील की कि निर्दोष हिंदुओं की हत्या हुई है, उनके लिए सरकार को मुआवजा देना चाहिए। पीड़ित परिवार के में शेष बचे लोगों को नौकरी दें और हिंदू अपनी जान मान की रक्षा कर सके, इसके लिए उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाए। साथ ही पीड़ित जम्मू कश्मीर के हिंदुओं को गन के लिए लाइसेंस इशू किए जाएं, जिससे वह अपनी रक्षा कर सकें, जिसमें रौनक ठाकुर, पंकज ठाकुर, अतुल भरौरिया, शिवम पंडित, आकाश ठाकुर, अनुज चाहर, युवा तोमर, विनोद भगौर, भगवान दिवाकर आदि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मलपुरा से ऐसा लाइव के संजय प्रजापति की रिपोर्ट। आज मलपुरा पुल पर किसका पुतला फूंका है, क्यों फूंका है? जो राजौरी में घटना घटी है, जहां हिंदू परिवार पे जो आतंकी हमला हुआ है, या हिंदू परिवार का जो नरसंहार हुआ है, उसी को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया है। क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर में धारा 307 हटी थी, तो एक आह्वान हुआ था कि जिस तरह से आज जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हट गई है, हिंदू सुरक्षित रहेगा, लेकिन उसके बाद भी ये कारण हरकत हुई है। तो केंद्र सरकार से हमारी मांग है, जम्मू कश्मीर के प्रत्येक युवा और प्रत्येक हिंदू व्यक्तियों को वहाँ सुरक्षा प्रदान की जाए और ऐसे हिंदू परिवार को वहाँ लाइसेंस सरकार के द्वारा से शस्त्र दिया जाए और वहाँ के परिवार को आर्मी के तहत एक ट्रेनिंग दी जाए, जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सके। और वही हम केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे, आपने धारा 370 हटा के ये आह्वान किया था कि आज वहाँ हिंदू कश्मीर में सुरक्षित है, लेकिन वहाँ सुरक्षित नहीं है। और वही हम कहेंगे कि वहाँ के मूल्यों और पाकिस्तानों को वहाँ से खदेड़ा जाए, वहाँ हिंदुओं को पुनः बसाया जाए और कश्मीर के पे जो कश्मीरी पंडित थे उन्हें पुनः बसाया जाए और हिंदू राष्ट्र की कल्पना का जो साकार है उसे सुरक्षित किया जाए। अन्यथा की दृष्टि में प्रवीण भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद केंद्र की सरकार बदलने का भी कार्य कर रहा जानता है।